ਗੱਫੇ ਵਾਲਾ लेके जा रहे हैं भैया वापस। अलकुल मिला के पाकिस्तान का सफर बहुत शानदार रहा और दुआ है भगवान से ये रिश्ता और मजबूत होए। यह है करतारपुर, अब गुरु नानक साहब के दर्शन तो कर लिए, अब जाता हूँ मैं लंगर हॉल की ओर। कोई रश वैसे नहीं है, गिनती के 150-150 आदमी का ये लोग बैच अलाउ कर रहे हैं और पूरी सिक्योरिटी इन्होंने रख रखी है। जगह जगह इन्होंने गार्ड्स और गनर्स खड़े कर रखे हैं और बार बार कहा भी जा रहा है कि गुरुद्वारे से बाहर जाएं ना जाएं, गुरुद्वारे कैंपस या कॉरिडोर कैंपस में ही आप आराम से घूमिए। और यहाँ की ओर से फ़ोटो वीडियोज़ में कहीं भी कोई रोक टोक नहीं है, किसी भी गार्ड ने कहीं भी मना नहीं किया और आप आराम से आइए, वीडियोज़ वगैरह बनाइए और इन्जॉय कीजिए। किसी भी तरह की कोई भी रोक टोक यहाँ नहीं है और ना ही कोई मेरे पासपोर्ट वगैरह ने चेक किया गुरुद्वारे अंदर आने के बाद में। बस एक जगह उन्होंने पेमेंट वाली स्लिप ज़रूर चेक की थी, बाकी ऐसा लगता नहीं कि आप पाकिस्तान में घूम रहे हैं, ऐसा लगा जैसे आप अपनी ही कंट्री में हैं। तो यहीं कहीं लंगर हॉल होना चाहिए। यहाँ दोनों कंट्री से लोग आते हैं दर्शन करने के लिए, पाकिस्तान से भी काफ़ी सिख वगैरह आए हुए हैं और इंडिया से तो खैर है ही मेन। और इन्होंने आईडी कार्ड के थ्रू इसको डिफ्रेंशिएट किया है। येलो वाला जो आई कार्ड है इंडियंस के लिए और ये ऑरेंज जो ग्रीन वाला जो है वो लोकल्स के लिए। ये है पूरा लंगर हॉल, बैठने की खाने की बहुत शानदार व्यवस्था कर रखी है इन्होंने। सामने सीधा
यह है सरोवर साहिब। एक घंटा करीब करीब मैंने पूरा नानक साहब के दरबार में गुजार लिया और अब यहाँ पास में एक छोटा सा मार्केट है तो वहाँ जा रहा हूँ, कुछ सुविनेस वगैरह सोचा ले लेता हूँ। और वैसे भी पाकिस्तान करेंसी मेरे पास में थोड़ी है तो उसे भी खर्च कर लेता हूँ। कुल मिला के एक्सपीरियंस बहुत शानदार रहा, जितनी मुझे उम्मीद थी उससे ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और सफाई का तो यहाँ विशेष तौर से ध्यान रखा गया है। आज शायद कोई यूएन के रिप्रेजेंटेटिव भी आने वाले हैं, इस वजह से सिक्योरिटी शायद कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वैसे भी कोई रश इतना नहीं है तो पूरा टाइम मिल गया घूमने के लिए। आइए इस पाकिस्तान का मार्केट भी घूम लेते हैं, दुनिया के इतने मार्केट घूमे हैं, पाकिस्तान का मार्केट भी घूम लेते हैं आज। अभी मैंने लिया है पाकिस्तान का फेमस सोन हलवा, ये करीब 3 बॉक्स मुझे पड़े हैं 1150 पाकिस्तानी रुपीज़ के अंदर। और एक सोन हलवा है बादाम का, एक है अखरोट का और एक मिक्स।
ओके जी, बहुत बहुत शुक्रिया। खाली मेरा एक वीडियो खाली बनाएंगे। जाओ जाओ। चले बताओ ना अपने। अब आपके साथ किसते हैं? ये हमारे एक और भाई मिले हैं। हाय, बहुत आनंद लगा। आनंद लगा। ये गुजरात से हैं, बहुत मीठे हैं, बहुत मीठे एज गुजराली एज वेल यू होते हैं। थैंक यू। इनके साथ एक फोटो खेल।